हेलो गाइस नमस्ते। आज मैं अशोक का पेड़ बो रही हूँ। इसमें खाद में पटक रही हूँ मैं। ये खाद है, गोबर का खाद होता है। वो काफी साल पुराना है, बहुत पुराना पड़ा है। थोड़ा सा उसमें से मैं डाल रही हूँ इसमें। इसी मिट्टी में लगाऊंगी इसमें। आइए जी, ये मिट्टी में लगाऊंगी इसको। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। बारिश का पानी है, बारिश का पता है। गाय खा जाएंगी इसको, तोड़ दी। अशोक का पेड़ बहुत शुभ रहता है, इसकी छाया नहीं होती है पर बहुत शुभ रहता है। ये घर में पेड़ होना चाहिए। जाल में लगा दिया है, आप देखिए ऐसा पेड़। अशोक का पेड़ बहुत शुभ रहता है, इसकी छाया नहीं होती है फिर भी एक पेड़ जरूरी है। बहुत काफ़ी बड़ा होता है अशोक का पेड़। हमारे गांव में आपको बताऊंगी, ससुराल में काफ़ी सारे पेड़ बो रखे हमने। मैं यहाँ पे रहती हूँ जहाँ पे भी पेड़ बो लगा रखा है। दो पेड़ लगा रखे हमने, एक अशोक का पेड़ इधर भी लगाया है। ये मैंने पहले ही लगा दिया है, कल शाम को भी लगा दिया है, अब सुबह लगाया है एक। ये फुदीना बो रखा है हमने घर में ही, रायता बना लेते हैं। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है फुदीने की। ये लौकी के पेड़ है, लौकी के पेड़ काफ़ी बड़े हो गए है आप देखिए। ये एक अनार का पेड़ है, इसमें ही हल्की सी बाड़ी बो रखी हमने, इसे जाल लगा रखा है। घर में थोड़ा इसी जगह में काफ़ी सारे पेड़ बो रखे। एक कड़ी पीपड़ी का पेड़ है, कड़ी पीपड़ी की छाया बहुत अच्छी होती है। कितनी अच्छी हवा चल रही, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा। अब देखिए ये तुलसी का पेड़ है, तुलसी लगा रखी हमने घर में ही। तुलसी बहुत शुभ रहती है, तुलसी की चाय बना लेते हैं हम जुकाम में, खांसी में, सब में। अब कोरोना चला जब से हम इसी की चाय बना के पीते हैं, सभी पीते हैं। दूध पीते हैं तो दूध में भी डालते हैं हम तुलसी का पत्ते। ये देखिए ये नींबू का पेड़ है, एक छोटा अभी आप ही होगा, ये कितना बड़ा हो गया है। काफ़ी चीज़ बो रखी हमने इसमें ही। ये गन्ना बो रखी है, दो चार गन्ने के पेड़ है, ज़्यादा नहीं है बस। घर में छाया हो जाती, छाया बहुत अच्छी लगती है पेड़ों की, इसलिए हमने दो चार पेड़ लगा रखे छाया के लिए। कड़ी पीपड़ी के बहुत अच्छी छाया होती है इसकी। आप देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये गई साल लगाए पर बहुत इसने जोर लगाया है, दे बढ़ने में कितना ज़्यादा जोर लगाया है इसने, इतना बढ़ गया है आप देखिए।
ये छोटा सा पपीता का पेड़ है, कितना सा चुनमुना सा, ये दो चार अपने आप हो गए। ये मरुए का पेड़ होता है, मरुए के पेड़ है ये, चनुना में बहुत काम में आता है मरुए का पेड़, चनुना लग जाते है बच्चे के में, इसमें इसे लगाते है। ये चौड़ाई बोरा की चौड़ाई होती है, इसकी कड़ी बहुत अच्छी लगती है, चौड़ाई की कड़ी कड़ी या आलू के साथ में बहुत अच्छी लगती है चौड़ाई, काफ़ी सारी बोरा की हमने। लौकी का भी पेड़ कितना बड़ा हो गया है देख, बहुत अच्छा लगती है लौकी की सब्ज़ी, चौमासे में ही लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये बारिश के टाइम पे आप लौकी बोते हैं, उनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। कितना हरी भरी पा रही है हमारी छोटी सी। ये अनार का पेड़ है, इसमें अनार नहीं आया, कई साल का पेड़ है, ये दुख गया है, इसमें लकड़ी बांधूंगी अभी मैं। ये कलम का वो होता है बा, बेरों की वे पेड़, ये बेर आते हैं कलम के लम मोटे वाले, ये हमने लगाया है छोटा सा, अभी देखना बड़ा हो जाएगा जहाँ आपको दिखाऊंगी कैसा, बहुत अच्छा पेड़ आते हैं इसमें। हमारे रिश्तेदारन के उनके से मंगाया हमने, बहुत अच्छा बेर आते हैं इसमें। ये देखिए पुदीना, कितनी सारी बोरा के हमने छोटी सी बारी है, गाय आती है इसलिए हमने जाल लगा रखा है, ऐसे लकड़ी बांध के बिल्कुल हरियाली हो रही है हमारे यहाँ कॉलोनी में सारी में, बारिश में घास ही घास हो रहा है सबड़े।